तो जैन गैस, अगर आप एक इंडियन बैंक के सीएसपी संचालक हो और आपके पास भी एम पॉस डिवाइस है, तो उसमें जो है मैं आपको ट्रांजेक्शन करके दिखाने वाला हूँ कि एम पॉस की जितनी भी सर्विसेज है उसे किस तरीके से उपयोग कर रहा है और क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है हमको एम पॉस डिवाइस में, जो कि इंडियन बैंक का नया वाला बीसी साथी है, आईबी साथी करके नाम से ऐप्स है, उसमें क्या क्या सर्विसेज मिलती है और किस तरीके से लॉग इन करना है, उसका पूरा मैं प्रोसेस आज वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं आपको एम पॉस की तरफ और दिखाते हैं। तो गाइस, हम आ गए हैं अपने पॉज की स्क्रीन पे और यहाँ पर चलते हैं, आपको मिनी स्टेटमेंट सबसे पहले चेक करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको मिनी स्टेटमेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से खुलता है। खुलने के बाद आपको आधार नंबर फिल करना है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे मैं आधार नंबर को फिल कर रहा हूँ। फिल करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको बैंक सिलेक्ट कर देना है। बैंक मेरा पहले से ऑलरेडी सिलेक्ट है, इंडियन बैंक, और यहाँ पर आई एग्री पर करते ही आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर करने पर थोड़ा सा ये टाइम लगेगा। टाइम लगने के बाद आपको ओके का आएगा मैसेज, जो कि अलर्ट देगा। यहाँ पर अलर्ट दे सकते हो, ओके का आ गया। ओके करते ही आपको अपना फिंगरप्रिंट को लगाना है, जैसे कि यहाँ पर मैं देख पा रहे मैं फिंगरप्रिंट को लगा रहा हूँ। लगाने के बाद दोस्तों जो है मेरा मिनी स्टेटमेंट खुल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो अभी तो मैंने लगाया हूँ और यहाँ पर देख सकते हो मेरा मिनी स्टेटमेंट खुलकर आ गया है। यहाँ पर अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपका प्रिंट बार बार निकल रहा है और उसे बंद करने का तरीका चाहते हो तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो आई बटन में, और यहाँ पर मैंने प्रिंट को ऑन किया हूँ और यहाँ पर मेरा प्रिंटर से प्रिंट। इसके बाद बात करते हैं कैश विड्रॉल की। तो कैश विड्रॉल पर आपको क्लिक करना है। कैश विड्रॉल पर क्लिक करते ही आपको सेम प्रोसेस वही करना है। आपको यहाँ पर आधार नंबर टाइप कर देना है, जैसा कि मैं यहाँ पर आधार नंबर टाइप कर रहा हूँ। टाइप करने के बाद यहाँ पर आधार नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद बैंक सिलेक्ट करना है। मेरा पहले से इंडियन बैंक, तो इंडियन बैंक करने के बाद यहाँ पर अमाउंट आपको डालना है, जितना भी निकालना है। निकालने के बाद ये रिमार्क है, रिमार्क में कुछ नहीं लिखना है, आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक कर दे, थोड़ा सा प्रोसेसिंग लगेगा और यहाँ पर कुछ ये बोलेगा, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये बोलता है। बोलने के बाद आपको ओके करना है, जो कि ओके करने के बाद कस्टमर का फिंगरप्रिंट मैं लगा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आपको मैं कस्टमर का फिंगरप्रिंट लगा कर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर ओके करना है। ओके करने के बाद कस्टमर का अपन फिंगरप्रिंट लगेगा, तभी कैश विड्रॉल होगा। तो यहाँ पर ओके करके कस्टमर का फिंगरप्रिंट लगवा देते हैं, उसके बाद कैश विड्रॉल होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कैश विड्रॉल पूरी तरह से सक्सेस हो चुका है। यहाँ पर इसका जो है स्क्रीनशॉट भी आ गया है मेरे यहाँ पर, APS ऑन कैश विड्रॉल यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। तो इस तरीके से कैश की बात करते हैं कैश डिपॉजिट की, तो यहाँ पर एकदम सेम वही प्रोसेस है। आपको यहाँ पर आधार नंबर फिल करना है, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं मैं आधार नंबर फिल कर रहा हूँ। फिल करने के बाद आपको वही सेम प्रोसेस है। यहाँ पर बैंक सिलेक्ट करना है, जैसे इंडियन बैंक पहले से ही, तो इंडियन बैंक में पहले से सिलेक्ट था, लेकिन मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ एक बार। इंडियन बैंक सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अमाउंट डालना है, जैसा कि यहाँ पर इंडियन बैंक में पहले से एक बार सिलेक्ट किया। यहाँ पर इंडियन बैंक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है, जितना भी जमा करना है। जमा करने के बाद यहाँ पर आई एग्री पर करके प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद कुछ ये गाना गाएगा। गाना का मतलब कि वो बोलेगा कि कितना जमा है, TBD ट्रांजेक्शन अमाउंट डी जितना इतना ऐसे बोलता है, वही बोल रहा है। बोलने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आपको कस्टमर का फिंगरप्रिंट लगाना है, जो कि मैं आधार से APS के जरिए कैश डिपॉजिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख ही पा रहे होंगे कैश डिपॉजिट हो गया मेरा सक्सेसफुली। यहाँ पर देख सकते हो कस्टमर का, देख सकते हो स्लिप भी आ गया है। तो ऐसे ही इस तरीके से आप लोग कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। और अगर अकाउंट नंबर से जमा करना है तो यहाँ पर TPD पर क्लिक करना है। TPD पर क्लिक करते ही आपको कस्टमर का अकाउंट नंबर डालना होता है। यहाँ पर अगर आपका पुराना खाता है तो उसमें 6-0 डाला जाएगा, और नया खाता है तो आपको 7-0 डालना पड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बार पुराना खाता का अकाउंट नंबर डाल के दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद 6 और 7-0 डालकर मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर अकाउंट नंबर डालते हैं। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको पुराना वाला पूरा वही सेम बेनिफिशियरी वाले नीचे वाले में भी वही इंटर करना है। री इंटर अकाउंट नंबर लिखा है बेनिफिशियरी का, तो वो भी सेम डालना है। उसके बाद ही आपको प्रोसीड करना है। तो जल्दी से डाल के आपको चलते हैं दिखाते हैं। और यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है, तो मैं देख सकते हो बिना 0 डाले ही यहाँ पर डाला हूँ, और डिपोजिटर का नाम भी लिख देता हूँ कोई भी, और बिना 0 डाले ही देख सकते हो नीचे दिखा रहा है 17 नंबर डिजिट का अकाउंट नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 6-0 डाल दीजिए, ऊपर भी 6-0 डाल दीजिए, 7 जितना भी पुराना अकाउंट रहेगा तो 6-0, नया अकाउंट रहेगा तो 7-0 डालने के बाद आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते ही आपका जो है कस्टमर का ये नाम बता देगा, जो कि थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि उसमें जो है प्रोसीड होने में थोड़ा सा समय लगता है। वो गाना गाता है, गाना गाने के बाद ही होता है भाई, मतलब ट्रांजेक्शन की आवाज़ करता है यार, गाना गाने का मतलब यही है मेरा। तो यहाँ पर ओके करते ही आपको देख सकते हो यहाँ पर कस्टमर का नाम दिखा रहा है। अगर कस्टमर का नाम सही है और अमाउंट सही है तो आप यहाँ पर प्रोसीड करेंगे, बिना फिंगरप्रिंट लगाए ही कस्टमर के अकाउंट में कैश डिपॉजिट हो जाएगा तुरंत। उसके बाद करते हैं आपको यहाँ पर अदर सर्विसेज में, तो यहाँ पर रिपोर्ट वाला जो है देख सकते हो। यहाँ पर रिपोर्ट में आप लोग जितना भी ट्रांजेक्शन किए हैं उसका रिपोर्ट पूरा देख सकते हो, कि मेरा कितना ट्रांजेक्शन हुआ है और सक्सेस हुआ है या फिर फेल हुआ है, इसका पूरा जो है डाटा इसमें देख सकते हो। और यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन दिया है, जिसमें फिल्टर करके आप लोग जिस भी चीज़ का देख सकते
सकते हो जो जो भी कैटेगरी का आपने ट्रांजेक्शन किया है, या फिर जिस भी डेट से जिस भी डेट तक देखना चाहते हो वो देख सकते हो। तो यहाँ पर बस आपको डेट सिलेक्ट करके अप्लाई करना है। मैं अभी फिलहाल ज़्यादा तो कर नहीं रहा हूँ, मैं आपको बस फिलहाल दिखा रहा हूँ। दिखाने के बाद आपको आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करते ही आपका जो है पूरी तरह से सक्सेसफुल आपका हो जाएगा और आपका स्लिप भी दिखाई देने लगा जितना भी आप लोग ट्रांजेक्शन किए हो। तो चलता है जब तक अभी दिखाते हैं, यहाँ पर देख सकते हो पूरा ट्रांजेक्शन दिखा रहा है। उसके बाद बात करते हैं अब नेक्स्ट सर्विस की। तो यहाँ पर आप लोग ट्रांजेक्शन रिपोर्ट देख ही पा रहे होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट सर्विस की। तो यहाँ पर इनरोलमेंट दिया है, जो कि यहाँ पर RD, FD, MIP और लीड जनरेशन ये सब कर सकते हो। तो इस सब में थोड़ा सा समय लगता है, तो इसके लिए मैं आपको नया जो है वीडियो बनाऊंगा, जो कि आप लोग उसमें देख लेंगे, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मोर पे जाते हैं, तो आप लोग अपना BC बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, जो कि कस्टमर के अकाउंट से जितना पैसे विड्रॉल करते हैं और आपके अकाउंट में जितना आता है वो यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर BC बैलेंस इंक्वायरी में देख सकते हो ये सब है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आधार सीडिंग वाला भी ऑप्शन है, जिसमें आप लोग आधार सीडिंग चेक कर सकते हो कि कस्टमर का आधार लिंक है कि नहीं DBT के जरिए, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो होता है जिसमें सरकारी पैसे आता है, सब्सिडी ये सब वो सब आता है। तो यहाँ पर आप लोग बायोमेट्रिक लगाकर चेक कर सकते हो, जो कि पहले भी ये ऑप्शन आ चुका था। तो मैं यहाँ पर बायोमेट्रिक लगाकर चेक कर देता हूँ, जो कि मैं अपना खुद से ही चेक कर रहा हूँ। तो आप लोग जो है यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरा इंडियन बैंक में अकाउंट है और ऑलरेडी मेरा लिंक है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ पूरी तरह से। यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर अभी तो फिलहाल देख सकते हो बैंक का नेम भी दिखा रहा है, इंडियन बैंक में ऑलरेडी सीड है। तो ये सब दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी, और कुछ सर्विसेज छूटा है, जो कि मैं कुछ समय बाद वीडियो एक लाऊंगा नया, उसमें बता दूंगा। तो दोस्तों वीडियो ये छोटी सी थी, मिलते हैं लोगों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ADPS balance inquiry. Please proceed with the authentication. Transaction successful. Please collect your receipt.